बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं इरफानुल्लाह और आप देख रहे हैं अक्स टीवी। नाज़रीन, अच्छा घर बनाना और ख़ूबसूरत घर बनाना हर इंसान की ख्वाहिश है, लेकिन अच्छा घर बनाते वक्त उस घर की छत और उसकी सीलिंग, जिसको हम आम फैम में कहते हैं, अगर अच्छी ना हो तो घर की खूबसूरती में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। आज हम एक ज़ेर तामीर घर के बाहर खड़े हैं। इस घर का ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो चुका है और ये फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे इस घर में हर कमरे और हर लोकेशन के मुताबिक सीलिंग कैसे की गई है, ताकि आपको अपना घर बनाने के लिए कुछ अच्छे आइडियाज़ मिल सकें सीलिंग के बारे में। आइए मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ इस घर के, और देखते हैं कि सीलिंग की वजह से घर की खूबसूरती में कितना इजाफा हो चुका है। आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम एंटर होंगे तो ये आपको गैराज नज़र आएगा। ये गैराज है, आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ इसको किया गया, बनाया गया है इसके छत को। यहाँ से हम आगे की तरफ चलें, सबसे पहले ये आपको लॉबी नज़र आएगी जब अगर घर में एंट्रेंस हो तो, इसको भी एक बड़े खूबसूरत दायरे के साथ। ये इस घर के ड्राइंग रूम की छत है जी, इसको बड़ी खूबसूरती के साथ पिलर्स के साथ बनाया गया। इसके साथ ये डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम की छत आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है। ये इस घर का जो टीवी लाउंज को दिखाते हैं एक साइड से साफ, ये देखें। ये दूसरी तरफ से व्यू है, ये सामने आप देख रहे हैं एलसीडी का डिजाइन है, अगर कोई देखना चाहे तो। ये दूसरी साइड है, दूसरा व्यू है इस टीवी लाउंज का। एक और है छत, एक और बेडरूम का डिजाइन। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरती की वजह से घर की लुक टोटल चेंज हो गई है। ये इस बेडरूम के साथ वॉशरूम है, ये इसकी देखें, उसके साथ मिलती जुलती उन्होंने की हुई है, बहुत खूबसूरत है। ये कलर स्कीम है इस बाथरूम में, भी टाइल्स देखना चाहे। एक एलसीडी का डिज़ाइन भी है, अगर कुछ लोगों ने देखना हो, किसी को पसंद आए, कोई कॉपी करना चाहे तो यहाँ से इसको देख के कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी है इसकी सीलिंग, लेकिन उसकी वजह से, सीलिंग की वजह से बाथरूम की लुक बहुत अच्छी निकल आई है। ये टाइल वर्क हुआ है इस बाथरूम का, अगर आप देखना चाहें तो। ये जी बेडरूम, ये डिफरेंट एंगल से सीलिंग आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको सही तरह समझ लग सके। ये दूसरा बेडरूम, ये पेंट का मरला शुरू हो गया है, लड़का पेंट कर रहा है। ये अगर कोई दोस्त दरवाज़ों का डिज़ाइन देखना चाहे तो उसके लिए ये दरवाजे का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं,
अभी ये पॉलिश होना बाकी है, जब पॉलिश होगा तो फिर इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी निकल आएगी। ये जनाब किचन है इस घर का, ये देखिए ये किचन की सीलिंग है और ये सीलिंग करते वक्त इन्होंने किचन को मद्देनज़र रखा है कि ये जो जगह है, ये वाली जो जगह आप देख रहे हैं, ये है कुकर के लिए हब के लिए, इसके ऊपर हब आएगा, उसके ऊपर उन्होंने फिर लाइट दी है ताकि वर्क स्टेशन जो वर्किंग के दौरान किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। ये एक बाथरूम है बना हुआ, इसके कलर स्कीम है सारी। लॉबी है, यहाँ से अगर आप शुरू होते हैं तो ये एंटर होते ही आपको ये ऊपर मिलेगा। ये बड़ी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया राउंड शेप में। अब हम आपको लेके जा रहे हैं इसके घर के फर्स्ट फ्लोर पे कि वहाँ पे सीलिंग कैसी है। ये देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर पे आप एंटर होंगे तो ये आपको सीलिंग जिस तरह नीचे आपको लॉबी में नज़र आई है गुलाई में, उसी तरह ये आपको यहाँ पे भी नज़र आएगी। उसके बाद ये बेडरूम आ जाता है ऊपर का एक, इसकी आप सीलिंग देख सकते हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में की गई है, बड़ी सादा लेकिन खूबसूरत। इसके साथ बाथरूम है इसका, इसके मुताबिक उसके बाथरूम की सीलिंग की गई है। ये देखिए सिंपल सी है लेकिन अच्छी खूबसूरत है। ये इस बाथरूम की कलर स्कीम अगर आप देखना चाहें, ब्लू कलर में है ये सारा वॉशरूम बना हुआ। ये ऊपर का ड्राइंग रूम बना हुआ है और इसकी सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे पैलिंग का इस्तेमाल किया गया, अगर आप ये देखें ये पैलिंग लगाई गई है डिफरेंट। आपको पूरी छत दिखाता हूँ पैलिंग के साथ, पैलिंग लगाने की वजह से छत की लुक बहुत ही ज़बरदस्त निकल आई है। ये घर के ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज है जो आप देख रहे हैं, इसको बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया हुआ है, देख सकते हैं आप, सादा है लेकिन खूबसूरत है। आपको एक डिफरेंट एंगल से दिखा रहा हूँ। ये अगर किसी ने LCD का डिज़ाइन देखना हो तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी खूबसूरत LCD बनाई गई है, अच्छा डिज़ाइन किया है डिज़ाइन आर्किटेक्ट ने। ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है और इसकी ये सीलिंग है, छत बहुत ही खूबसूरत है ये भी। दूसरी छतों की तरह इसमें बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग सी दी हुई है, देख सकते हैं आप। और दूसरे एंगल से आपको दिखा रहे हैं इसकी छत किचन के ऊपर वाले की। ये ऊपर का दूसरा बेडरूम है जनाब, ये आप देख सकते हैं, ये भी तकरीबन सिंपल सी है।
ये इसके साथ बाथरूम जो है उसकी है बहुत ही सिंपल सी, ये देखिए छोटा सा एक गोल दायरा बना हुआ है, छोटा सा एक सर्कल बना हुआ है और उसके साथ छोटे छोटे चार सर्कल और बने हुए हैं, बहुत ही सिंपल है। ये इसके बाथरूम की कलर स्कीम है, अगर कोई दोस्त देखना चाहे कैसी लग रही हैं टाइल्स जिस कलर की लगी हुई तो वो ये देख सकता है। अब हम आपको लेके चलते हैं ऊपर के तीसरे बेडरूम की तरफ। तो नाज़रीन ये है हमारा तीसरा बेडरूम, उसका सीलिंग डिज़ाइन। मुस्ततील नवा शेप में इसको बनाया गया है लेकिन इसको डिज़ाइन बहुत अच्छा किया गया है। दिखाते हैं इसका जो बाथरूम है वो कैसा डिज़ाइन किया, सेम उसी तरह का डिज़ाइन है, सिंपल सा और मुस्तिल नमाई इसको अंदर से किया गया है। ये इस बाथरूम की कलर स्कीम है, ये इसके बाथरूम के टाइल्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो नाजरीन ये थी हमारी एक छोटी सी काविश। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो हो सकता है हमारे इस प्रोग्राम में दिखाई जाने वाली सीलिंग आपके किसी काम आ सके, आप इससे नए आइडियाज़ अखज़ कर सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना मत भूलें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। बहुत शुक्रिया।